हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ। इस वीडियो को मेरा जो मकसद है अपलोड करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग सब अपने अपने घर में सक्षम हैं। कुछ ना कुछ अगर हमसे किसी के लिए हेल्प हो सके तो कोई बुरी बात नहीं है, जितना भी हो सके, ये नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी हो सके, मन से हो, तन से हो, धन से हो, जैसे भी। जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है और हर जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। मोस्ट ऑफ जो लो क्लास के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हम उनकी किसी न किसी तरीके से, जैसे राशन, पैसे, मास्क, सैनिटाइज, किसी से भी हम उनकी जैसे भी हो सके वो हेल्प कर सकते हैं तो करें। अगर हम सभी एक एक कदम सब लोग उठाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर होगी और सब लोग खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन सभी को एक ना एक कदम ज़रूर उठाना होगा। तो मैंने भी यहाँ पर एक कदम उठाया है आपके आशीर्वाद से। तो वो है ये कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं मास्क, आप देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारे मास्क पड़े हुए हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जितने मास्क यहाँ पर टोटल पड़े हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा मैंने मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ ज़रूरतमंद लोगों को। जिसको भी ज़रूरत थी मैंने सबको ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और मैंने सेल्फ ही अपने आप बनाए हुए हैं। बहुत आसानी से हम इसको घर पर बना सकते हैं। तो हम बस रबड़ ले लेंगे कपड़ा और उसको अच्छे से कटिंग करेंगे, देन उसको सिलाई कर लेंगे। तो मैं जो अपना रेस्ट वाला टाइम है उसमें बैठकर इनको बड़े आराम से बनाती हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ जिनको ज़रूरत होती है उन लोगों को, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कुछ ना कुछ तो हेल्प उनकी होती ही है, ताकि वो सेफ रहें, अच्छे से घर पर रहें, या बाहर जाएं तो भी इस मास्क के ज़रिए थोड़ा सा तो सेफ रह ही सकते हैं। तो क्यों ना हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करें। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करें। मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का कोई लाइक का मकसद नहीं है कि आप मुझे लाइक करें या सब्सक्राइब करें या फिर चैनल को फॉलो या कुछ भी, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप जिस तरीके से भी अपने हिसाब से करना चाहें, तो प्लीज़ जो ज़रूरतमंद हैं उनको किसी न किसी तरीके से, जो वो चाहते हों, उनकी हेल्प करें और सामने आएं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा भी आगे बढ़ेगा। तो मैंने आपके साथ ये अपनी बात इसलिए शेयर की है कि शायद आपका भी कुछ मन करे और आप लोगों की हेल्प करें। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जिस तरीके से भी चाहें हेल्प करें लोगों की, तो ताकि सब लोगों के अच्छे से हेल्प हो और जो हमारा ये सब चल रहा है कोरोना, उसको हम सब मिलकर मात दें किसी ना किसी रूप में। तो मैंने शुरुआत कर दी है और अब आपकी बारी है। तो चलिए हम उठाते हैं एक कदम हेल्प के नाम और करते हैं सबकी हेल्प। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए लोगों की। घर रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।